आज के हमारे सेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सारे क्वेश्चन ही आपके आज के सेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के हमारे सेशन का ये पार्ट नंबर मैथ का जो है आपका 52, इसी तरह की हमने 51 तक सीरीज कराई हुई है। जिन्होंने नहीं देखा आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जो आपके हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाते हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करिए। चलिए आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, उसके बाद खुद से आंसर को हल करने की कोशिश करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश, राजेश और रमेश ने आपस में एक केक बांटा। राकेश के हिस्से में इसका 5/36, रमेश के हिस्से में 3/4 और बाकी भाग राजेश के हिस्से में आया, तो राजेश को केक का कितना हिस्सा मिला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आप दिमाग से खुद से हल करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए तीन लोग हैं, राकेश, राजेश और रमेश, ये आपस में केक को बांटते हैं। आपको क्या बोला, राकेश के हिस्से में जो आपका राकेश है उसके हिस्से में कितना आया आपका 5/36 आया, ठीक है। और रमेश के हिस्से में कितना आया आपका, रमेश के हिस्से में कितना आया आपका 3/4 आया, तो मतलब बाकी भाग राजेश के हिस्से में आया, तो राजेश को केक का कितना हिस्सा मिला। देखिए ये आपका क्या है, राकेश हो गया और ये आपका रमेश हो गया, तो आप सॉरी राजेश हो गया, तो आपका किसका पूछा है, राजेश का पूछा है। तो देखिए हमको राजेश का नहीं पता है, तो पहले हम टोटल पता करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कितने का था। तो आप इन दोनों को पहले जोड़िए, मतलब आप लोगों को राकेश का जोड़ना है, ठीक है, और रमेश का जोड़ना है। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 5/36 प्लस 3/4, इनको जोड़िए, हर बराबर करेंगे तो यहाँ आप 9 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो नीचे 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे 36 हो जाएगा बराबर में, ये आपका प्लस 5 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। प्लस 5 और 27 जोड़िए कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 32 और नीचे आ जाएगा 36। ये मतलब आपका किसका आ गया, ये आपका राकेश का और रमेश का आ गया, मतलब आपका राकेश का हो गया प्लस रमेश का हो गया। आपका क्या पूछा है, राजेश के हिस्से में आ रहा है, जो राजेश को केक का कितना हिस्सा मिला, तो आप लोग कुछ नहीं करना, इसमें से आपको 1 माइनस कर देना है। 1 माइनस कर देंगे तो इसका हिस्सा चला आएगा। देखिए 36 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 36 - 32 और बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 36। तो देखिए 36 में से 32 का कितना, 4 × 36 हो गया, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 × 4 = 9 = 36, 1/9, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आप जो दिया गया है आपका, जो राकेश का हिस्सा दिया गया था और रमेश का हिस्सा दिया था, इन लोगों को आप लोगों को जोड़ देना चाहिए था और जोड़ के आपका उसमें से जो है 1 घटा लेना चाहिए था। 1 से जितना आया आपका, जैसे 5/ कितना आ गया था आपका, 32/36 आ गया था, आप लोगों को इसी को घटा देते तो आपका किसका हिस्सा पता चल जाता, आपका राजेश का हिस्सा पता चल जाता, आसानी से बिल्कुल आ जाता। चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे सेशन का सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें ए और बी का मान निकालना पड़ता है और आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं। देखिए आपका दिया हुआ है 2^8 और प्लस कितना दिया हुआ है आपका, 3^b, मतलब 3^b बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 17। और दूसरा क्या दिया हुआ है आप लोगों का, 2^a + 2 और प्लस दिया हुआ है 3^ माइनस है, यहाँ पर सॉरी माइनस है 3^b + 1। तो इसमें क्या पूछा, ए और बी का मान निकालना है। देखिए ए और बी का मान इसको हल करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा, तो इसको हल कैसे करना है आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए इसको हल करने के लिए हम ऑप्शन की मदद लेंगे। देखिए ऑप्शन की मदद भी लेने के लिए एक आपका तरीका है। देखिए पहले अगर हम छोटी संख्या लेंगे, अगर हम बड़ी संख्याएं लेंगे 8, 7 या 5, 8 लेते हैं पहली संख्या ए और बी को, तो ये हमारा 17 नहीं आएगा, काफी बड़ा हो जाएगा। देखिए 2^8 करिएगा, 3^7 के बहुत बड़ा है। पहले छोटी संख्या को लेते हैं, मान लेते हैं ऑप्शन बी है, ए आपका 3 है, बी आपका 2 है, तो 2^ कितना रखेंगे, ए की जगह आप 3 माने हैं तो 3 रखेंगे, प्लस 3^ बी की जगह कितना माने हैं, 2 रखेंगे। तो क्या आपका जो जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो देखिए 2^ कितना है, 3 बार करेंगे तो आपका 3 × 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब कितना हो गया, 8 हो गया। और 3^2 है, 3 × 3 = 9 हो गया, 3 × 3 + 9 ये 9 हो गया, बराबर कितना हो गया, 17। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 9 = 17, मतलब ये आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है 3 × 2। तो मतलब इसको भी इसमें भी अगर चाहे तो चेक कर सकते हैं कि आपका ये कितना आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। देखिए अगर 2^ कितना रखेंगे, ए कितना माने 3 × 2^5 हो गया, प्लस अरे माइनस है सॉरी माइनस 3^b + 1, बी कितना है 2, 2 + 3 मतलब कर लिए 3 हो गया। अब इसको 2 बार गुणा करेंगे
तो 3 बार यहाँ गुणा किया तो 8 हो गया, 8 16, 16 2 32 हो जाएगा। 32 तो माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 3 की पावर 3 बार कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा, 27। तो इसमें 32 में 27 जाएगा तो आपका 5 आ जाएगा। मतलब ये आपका दोनों में सेटिस्फाई कर रहा, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूरा हल करने की जरूरत नहीं, यहाँ आप ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन की भी मदद लेने में पहले आप छोटी से चालू करें, बड़े की कभी मत लें, क्योंकि बड़े में क्या होता है कि आपका बड़ी संख्या आ जाएंगे, हमें छोटी संख्या बराबर पे देखिए 17 है 5 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ये आपका जो है लाभांश से क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इसको हल कैसे करना है, आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, पहले क्वेश्चन को क्या है ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका जो 3 है, एक कंप्यूटर का मूल्य कितना दिया हुआ है, 30,000। तो इसमें 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए कितना बोला है आपका, 100 पे 25% की छूट कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। तो क्या बोला है इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य मतलब क्या होगा, मतलब जो पूछा है इसका वर्तमान मूल्य पूछा है अगर छूट देने के बाद। तो देखिए वर्तमान मूल्य पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 30,000 को लिखेंगे पहले हम, 30,000 लिखेंगे तो वर्तमान मूल्य पूछा है तो ये आपका ऊपर हो जाएगा और ये आपका 100 क्या है नीचे हो जाएगा। देखिए काटेंगे इसको, अगर काटने की कोशिश करिए कितना हो जाएगा, अब इसको काटिए, इसको 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 से गुणा करिए आपका ये पहले देखिए 0 हो जाएगा आपका, 1 0 2 0, उसके बाद 3 5 15 हो जाएगा आपका, कितना बचा, 1 बचा, 3 7 21 22, मतलब कितना 22,500 किसमें आ रहा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, इसमें कुछ नहीं था, बस आपका परसेंटेज का सवाल था, थोड़ा इसमें लाभान का था, जिन लोगों का अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो इसमें आसानी से समझाया गया है। चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के हमारे सेशन का जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल 2,200 रुपये है तो इसके 3/11 भाग का मूल क्या होगा। देखिए क्या बोला है आपका, 2/3 भाग का मूल कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 2,200। तो पूछा 3/11 भाग का मूल क्या होगा। देखिए ये आपका एक ही नियम से संबंधित क्वेश्चन हो गया। पहले आप पूरे भाग का पता करें, सामान के पूरे भाग का मूल पता करेंगे। जैसे पूरे भाग का मूल पता करने के लिए क्या करेंगे, ये आपका 2,200 हो जाएगा, इधर जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, काटिए कितना हो जाता है, ये 11 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 11 बार कटिए, 11 दुना, क्योंकि 2 का 9 2 2 का 9 2, तो कितना हो जाएगा आपका 1,100 गुणे 3 कर दीजिए, देखे कितना हो गया आपका, इसको ऐसे लिख लीजिए चाहे तो, आप कितना हो गया 1,100 गुणे 3, मतलब ये पूरे भाग का आ गया। ये कितने का आ गया आपका, पूरे भाग का आ गया, ठीक है, ये आपका पूरे भाग का आ गया। किसमें गुणा करेंगे, 11 3 33, ये कितना हो जाएगा आपका, 3,300 हो गया पूरे भाग का। तो क्या पूछा है आपका, 3/3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्या करना है आपका, 3/11 भाग का मूल्य पूछा है, ये हो जाएगा आपका 3,300 गुणे 3/11 को सीधे आप गुणा कर देंगे, इसमें इसको काटेंगे 11 3 33 3 3 9, मतलब ये आपका 900 हो गया ऑप्शन, मतलब ये सही है। देखिए 2/3 भाग का पहले पता करना था, पूरे भाग का पता किया कितना हो गया आपका, देखिए फिर से बता रहा हूँ, अगर आप पूरे भाग का पता करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2200 गुणे 3/2 हो जाएगा, तो ये आपका 11 हो जाएगा, तो ये आपका 3,300 आ जाएगा, मतलब कितना आ गया, 3,300 आ गया। तो अगर क्या पूछा, 3/11 भाग, तो इसमें 3/11 को गुणा कर देंगे, तो 3,300 में आपका 3/11 से गुणा करेंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, ऊपर बचा 300 गुणे 3, ये बराबर आपका होगा 3 गुणे 3 9, मतलब 900 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, मतलब भाग का मूल्य क्या होगा, 900 रुपया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं। ये देखिए आपका रेल से संबंधित आपका सवाल है, ये आपका रेल गाड़ी से जो होता है दूरी और समय से संबंधित सवाल है। इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं, काफी कंफ्यूजन होता है। देखिए इसमें हम आपको सेकंडों में हल करना कैसे बताएंगे। एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती, कितने 8 घंटे में पूरा करती, वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर में तय करती है, तो यात्रा की दूरी क्या होगी। देखिए आप अगर टाइम की सेविंग करनी तो आप पहली लाइन में जब क्वेश्चन पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ें, कि दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कि आपको काफी समय वेस्ट हो। इसलिए आप जब भी पढ़ते चले तो उसमें टिक लगाते चले कि हमको समझ में क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट करके समझिए।
देखिए क्या बोला है, यात्रा की दूरी, दूरी हम कैसे पता करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल और क्या होता है गुणे समय। तो देखिए हमको इसमें चाल का ज्ञान नहीं है, मतलब समय पता है, समय कितना है 8 है, और जो कि चाल हमको नहीं पता है चाल इसमें क्या होगी। तो चाल हम कैसे निकालेंगे, देखिए चाल निकालने के लिए अब आपको बता रहा हूँ बेसिक सा तरीका, इसके इसमें क्या निकाल लीजिए आप लोग, औसत चाल निकालिए। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है आपका, बहुत लोगों को पता होगा आपका, देखिए क्या होगा आपका 2xy और अपान में x प्लस वाई, ये 2xy क्या, x आपका जो क्या हो गया पहली चाल, y क्या होगी दूसरी चाल, x मतलब ये हो गया 40 और y हो गया आपका दूसरी चाल। देखिए एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, 2xy निकालेंगे, दो गुणे आपका x कितना मान लीजिए 40 है, 40 किलोमीटर, और उसके बाद 60 नीचे कितना हो जाएगा, आप 60 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसको इसको काटेंगे ये कितना हो जाएगा 6 और 24, और 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा 48, मतलब ये आपकी जो औसत चाल है ये क्या आ गई आपकी, ये औसत चाल आई है, ये आपकी जो औसत चाल है 48 है। तो हमको चाल पता हो गई, दूरी निकालना है, तो देखिए दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला रखेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, तो चाल कितना है आपका आ गई है 48, ठीक है 48, और समय कितना है आपका, समय कितना है 8 है, समय कितना 8 है, अब इनको गुणा कर लीजिए आपकी दूरी आ जाएगी 8 8 64। देखिए 4 किसी ऑप्शन में है, 4 एक ही ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपका, 48 गुणे 8 करेंगे तो उतना भी आएगा 8 8 64, 4 हो जाएगा 6 बचेगा, 8 4 32, और आपका जो ये 6 का हो जाएगा 38 हो जाएगा, 384 किलोमीटर, मतलब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी लास्ट के मिनट डिजिट को देखते हुए चलिए गुणा भाग में, हमेशा आपका बहुत ही टाइम की इसमें सेविंग होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका था, आप कोई भी एक्स मान के नहीं लगाना था कि हम एक्स अपान 2 प्लस वाई अपान 2 करके, देखिए ये आपका बेस्ट तरीका था, उसे चाल निकाल लिया आपको, उसके बाद चाल निकाल कर दूरी गुणे समय में रख दिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास भी अच्छी लग रही हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। चलिए आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया बहुत ही बेस्ट तरीका बिना एक्स वाई माने, देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझा करिए और आपको जो मैं हल कराता हूँ उसको भी आप लोग ध्यान से समझा करिए। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 700 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि ए को बी का आधा, बी को सी का आधा मिलता है, तो सी का हिस्सा पता करना है। देखिए ए को आपको बी का आधा, देखिए 1/2, मैंने जब भी बताया था आधा बोले तो 1/2, और क्या बोला है बी को सी का आधा, बी को सी का आधा 1/2, ठीक है समझे नहीं समझे, समझ उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। मैंने बताया था जब भी बोले ए बी का दोगुना है, ए बी का दोगुना है तो 2/1 हो जाएगा, बी सी का 3 गुना, बी सी का 3 गुना 3/1 हो जाएगा, और जब मैंने बोला था कि अगर होगा कि ए बी का आधा है, ए बी का आधा है तो 1/2 हो जाएगा, मतलब ये सब सारी चीजें मैंने बताया, जिन लोगों ने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। देखिए यहाँ b का मान 2 है, यहाँ b का मान 1 है, तो हमको मान को बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्या होता है आपका रेशियो मेथड होता है, क्या होता है रेशियो मेथड। देखिए a अनुपात है b कितना दिया हुआ है, देखिए a बटा में जो होता है उसको चाहे अनुपात में लिखें चाहे बटा में लिखें एक ही बात होता है, तो a अनुपात b कितना दिया, a का आपका 1 दिया हुआ है रेशियो, b का कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब देखिए b अनुपात c कितना दिया हुआ है, b का कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, c का कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, तो देखिए जिसके सामने खाली है उसके सामने वो संख्या लिख देंगे 1, जिसके सामने 2 खाली है जिसके सामने क्या लिख दिए 2। अब इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करें 1 * 1 हो जाएगा, 2 * 2 हो जाएगा, आपका 2 * 2 = 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया टोटल कितना दिया हुआ 700 रुपये, तो ये टोटल आपके कितने बराबर है 700 रुपये के बराबर है, ठीक है इसको टोटल जोड़ेंगे कितना होगा 4 2 6 6 1 7, तो मतलब ये 7 आपका मतलब ये जो कि 7 a बराबर किसके है आपका, ये a मतलब नहीं आप यहाँ x मान लीजिए, 7 a बराबर कितना है 700 है, तो आपका एक मान कितना हो जाएगा, एक मान जो आएगा आपका निकल के 700/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 100 आ गया, मतलब एक मान कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो किसका मान पूछा है, किसका मान पूछा आप लोगों, देखिए सी का मान पूछा है, तो सी का कितना है आपका 4 है, तो इसी में 100 को गुणे 4 कर देंगे आपका आ जाएगा, 100 * 4 करेंगे तो आपका 4, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कुछ नहीं करना था, हमें एबीसी का मान निकालना था, यहाँ टोटल जोड़े 4 2 4 2 6 7, 7 बराबर दिया 700 के, देखिए 7 बराबर दिया 700 के, मतलब 7 जो बराबर दिया था आपको किसके 700 के दिया था, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा, 700 को 100 से 7 से भाग देंगे तो 1 = 100 हो जाएगा, 1 = आपका 100 आ गया, तो किसका पूछा है सी का, तो सी का मान कितना आया
हमारा सी का मान 4 आया तो 100 × 4 कर देंगे तो आपका मान निकल आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका था, इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। आप लोग इस तरह से याद करिएगा और इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी बोले ए बी का आधा है तो ए बी का आधा 1/2 हो जाएगा, मतलब ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया। तो चाहे तो आप ए रेशियो बी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:2 ए बी का आधा है, कोई आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं। ए बी का 2 गुना, जैसे भी बोले ए बी का तिहाई है, ए बी का तिहाई है तो 1/3 कर देंगे, मतलब ऐसे कर देंगे। उसके बाद आप रेशियो मेथड निकाल के सारा मान निकाल सकते हैं। आज का आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन में है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। जिनको इसका आंसर नहीं पता वो हमारा पार्ट नंबर देखेंगे 51 में, तो इसका आंसर मिल जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्ट से इसको हल करना बताया है। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर प्ले लिस्ट में 51 हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कराते हैं, सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रह देते हैं। ये देखिए क्वेश्चन जो भी था आपका RRC ग्रुप डी कोलकाता में पूछे हो गया था, और जितने भी और क्वेश्चन कराए सारे आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी क्लास कैसी लगी, और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।